लोग अलाउ ही नहीं कर रहे थे, अगर मैं उनसे पूछती तो और भी ज्यादा मुझ पर भड़क जाते, क्योंकि मेरे साथ दो तीन बार ऐसा हो चुका था, मैडम फोन नहीं, मैडम फोन नहीं, मैडम रिकॉर्डिंग नहीं, एवरीवन वाज सेइंग दिस टू मी, आई डू नॉट नो व्हाई, मैं बहुत न्यू थी इस प्रोफेशन में ना, इसलिए Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, आज आप लोगों को पता है मैं क्या लेके आई हूँ, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ एक सरोजनी नगर का हॉल. Yes, recently I went to सरोजनी नगर. आप लोगों को अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं रिसेंटली सरोजनी नगर गई थी, वहां से मैंने खूब सारी शॉपिंग करी है. तो मैं उसका वीडियो आज आप लोगों को एक हॉल और जो लिटिल बिट वहां के मार्केट का सीन है वो मैं आपको डालने वाली हूँ. फर्स्ट व्हाट आई वॉज अबाउट टू लाइक क्रिएट ना, मैंने सोचा था कि सरोजनी नगर के जो वीडियो में मैं ये डालूंगी कि वहां पे न्यू मार्केट में क्या क्या है, किस तरह का कलेक्शन है, क्या क्या चीजें हैं, रेट क्या चल रही है. बट वॉट हैपन्ड विद मी ना, व्हेन आई वेंट देयर ना, पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ही कम शॉपकीपर से जिन्होंने मुझे अलाउ किया शूट करने के लिए. आई डोंट नो, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे आता नहीं है कि कैसे उनको कन्विंस करते हैं वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यार बहुत सारे क्रिएटर्स और कंटेंट के जो क्रिएटर होते हैं वो लोग शूट करके लाते हैं, बट मुझे तो सबने मना कर दिया. फिर भी मैं किसी तरह आप लोगों के लिए मिनिमम लाइक 6-7 जो छोटी छोटी क्लिप्स लेके आई हूँ, ताकि मैं आपको वहां के मार्केट का सिनेरियो दिखा सकूं. और साथ में मैं आप लोगों के लिए आई हूँ एक बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा सा हॉल, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. और यस, ये रहा मेरा सरोजनी नगर का बैग, जो मैंने आपको कहा था, जो मैं जब भी सरोजनी नगर जाती हूँ लेके जाती हूँ. अगर आपको नहीं पता है इस बैग के बारे में तो आप जाओ मेरा बैग हॉल कलेक्शन देखो, मैं लिंक डाल दूंगी या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख लेना. और प्लीज आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसे बहुत इंटरेस्टिंग सरोजनी नगर की चीजें होने वाले. इफ यू आर अ ट्रू सरोजनी लवर, यू कैन नॉट स्किप अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो. एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आपको मेरे मेकअप लुक पसंद आते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उनके लिए एक ट्यूटोरियल फिल्म करूंगी. अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोबेबली मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ. प्लीज आप मुझे कोई सजेशन देना कि मैं किस तरह का मेकअप लुक या किसी तरह का रेप्लिका मैं क्रिएट कर सकती हूँ. और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर द लिंक, आप प्लीज वहां पे फॉलो करना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो मैं मार्केट में एंटर किया था, तो मार्केट में मैं एक्चुअली आई वेंट देयर विद कार, बाय कार सॉरी, दैट इज द रीजन कि मैंने वहां पे जो पर्टिकुलर जो अपना मेट्रो का गेट है, गेट नंबर 3, वहां से एंटर नहीं किया था. बट यू नो थ्रू विच गेट आई हैव एंटर, दैट वॉज पर्टिकुलरली 90 degrees टू द गेट नंबर 3. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आई विल इंसर्ट द क्लिप, आप वहां पे देखना कि गेट नंबर 3 है जो मेट्रो से एग्जिट करते ही आपको मिलता है, उसके जो 90 degrees में जो गेट है, मैंने उस गेट से एंटर किया था. वहां से एंटर करते ही राइट साइड में आपको बैग की शॉप दिखती है, जिस जहां पे लाइक 200-250 rupees में आपको आराम से बैग मिल जाते हैं. बट वहां के बैग अच्छे थे, बट नॉट माई टाइप, तो मैंने वहां पे नहीं रुकी. नेक्स्ट आई वेंट कि वहां पे जो इयररिंग्स, यस द फेमस इयररिंग शॉप, जो भैया जो हैंडक्राफ्ट के इयररिंग्स लेके आते हैं और जिनपे बहुत ज्यादा न्यू ट्रेंडी इयररिंग्स मिलते हैं, मैं उस शॉप पे रुकी. जब आप गेट नंबर 3 से आप एंटर करेंगे सरोजनी नगर मार्केट में, तो घुसते ही आपके लेफ्ट साइड में वो आपको शॉप पड़ेगी. वहां पे दो भैया बैठते हैं, एक वो जो बहुत ही प्यारे हैंडीक्राफ्ट के, जैसे एविल आई, वाटरमेलन, फ्रूटी, लेमन, इनके बहुत ही प्यारे प्यारे इयरिंग्स आप देखना, मैं आपको क्लिप एंटर करूंगी, इस तरह के इयरिंग्स रखते हैं. और जो दूसरे भैया वो थोड़े ट्रेंडी इयरिंग्स रखते हैं, तो मैंने वहां से इयरिंग्स खरीदे. एंड यस, उनके प्राइसेस थे 50-50 rupees पर इयरिंग. सो आई बॉट 2 इयरिंग्स फ्रॉम दैट लाइक शॉप, पर्टिकुलर शॉप. हैंडीक्राफ्ट वाले से मैंने कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे इयरिंग्स कम पहनती हूँ, और या फिर मैं कहूँगी मुझे इसमें डिजाइन कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे. अच्छे थे बट कुछ इतने क्वर्की नहीं थे कि जो देखते ही पसंद आ जाए. सारे पुराने थे, बहुत ट्रेंड में है, तो मैं वो नहीं खरीदा. तो उसके साइड में जो शॉप थी, मैंने वहां से ये इयरिंग्स लिए थी. यस, दीज आर द इयरिंग्स. ओके, सो मैंने ये पहन चुकी हूँ मैं ऐसी. ये गोल्डन कलर के बहुत ही प्यारे से हुप्स काइंड ऑफ है, बट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड से शेप में है, और ये बहुत प्यारे लगते हैं. अगर आपने रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा है मेकअप लुक का, तो मैंने उसमें ये इयररिंग्स पहने हुए हैं. मुझे बहुत लोगों के कमेंट आए कि इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं. सो ये आई बॉट इट फ्रॉम सरोजनी नगर. इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं कानों में, बहुत ट्रेंडी है. आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि गोल्ड इयररिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बहुत मिनिमलिस्टिक लगती है, बहुत ज्यादा शीक लगती है. So this is I bought for ₹50, and from the same shop I bought one another earring also. These beautiful hoops. Can you guys see this? ये कितने सुंदर, इनमें यहाँ पे proper plain hoop है और इनमें यहाँ पे beads का है, silver और white pearls के इस पे काम है. ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर earrings है. मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. You guys can see.
सीरियस, ये कितने सुंदर लग रहे हैं यार। और जो आज मैंने लुक क्रिएट किया है बिल्कुल रेट्रो वाइब पे, उसमें तो ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर हुप्स हैं, बहुत प्यारे हैं, वेट भी इनमें इतने ज्यादा नहीं है। बहुत प्रिटी हैप्पी विद दिस परचेज, ये 50 रुपीज में एंड क्वालिटी इज रियली अमेजिंग। सो मैंने वहां से दो इयरिंग्स देखे। अगर आप लोग सरोजिनी नगर जा रहे हैं तो आप प्लीज उनकी शॉप विजिट करना, उनके पास वेराइटी ऑफ इयरिंग्स है एंड ईच इयरिंग वॉज ओनली 50 रुपीज। सो कोई भी बुरा आइडिया, आई मीन 50 रुपीज में इयरिंग्स तो बहुत ही सही है यार। तो आप प्लीज वहां पे जाके एक बार चेक करना। मैंने ये दो परचेज लिए थे फ्रॉम दैट शॉप। ओके, सो जब आप एंटर करते हो, आई विल गिव यू रेफरेंस फ्रॉम गेट नंबर 3 बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लोग मेट्रो से ही जाते हैं। मुझे थोड़ा उल्टा पड़ रहा था इसलिए आई प्रेफर द कार। सो गेट नंबर 3 से जब आप एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में ये जो दो शॉप मैंने आपको बताई, भैया की इयरिंग्स वाली, ये हो गई। उससे आगे जाके जो एक बरगद का पेड़ आता है लाइक चौराहे पे ही लेफ्ट साइड में बिल्कुल घुसते ही, तो वहां उस पेड़ के नीचे एक भैया बैठते हैं, उनके पास इयरिंग्स थे यार, अमेजिंग इयरिंग्स थे। सिल्वर ज्वेलरी थी, पूरी ऑक्सीडाइज थी। ही वॉज सेलिंग फॉर 100 रुपीज में, वो रहे थे बड़े जो झुमके थे वो बेच रहे थे वो 100 रुपीज में, और जो छोटे उनसे थोड़े छोटे साइज के थे वो बेच रहे थे वो 50 रुपीज में। और ज्वेलरी, नेक पीसेस, ब्रेसलेट वगैरह एवरीथिंग वाज फॉर 100 रुपीज। सो वहां से आई बॉट 2 इयरिंग्स, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द 2 इयरिंग्स जो मैंने वहां से खरीदे। मैंने ज्वेलरी शॉपिंग इतनी करी है यार, मैं बता नहीं सकती। इवन लाइक एट सर्टेन पॉइंट क्या हुआ ना, मुझे लगा कि यार बस बहुत हो गई ज्वेलरी शॉपिंग, अब थोड़ी क्लोथिंग ले लेते हैं। सो दीज आर द ब्यूटिफुल इयरिंग्स, झुमका इयरिंग्स ऑक्सीडाइज जो मैंने उस शॉप से खरीदा है। ये है 4 रुपीज 50, यस ओनली 4 रुपीज 50 के, बहुत ही सुंदर से झुमके हैं। यहाँ पे इन पे देखिए गणेश जी बने हुए, राइट, यस एलिफेंट काइंड ऑफ थिंग। नीचे इस पे झुमकी है एंड फ्रॉम द सेम शॉप आई गॉट 1 more pair ऑफ इयरिंग्स विच वॉज 4 रुपीज 100। लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट अ मिनट, यस These are the beautiful झुमकास which I got for ₹100। इनकी लेंथ देखिए कितनी सुंदर है, कितने बड़े हैं, बिल्कुल लाइट वेट है। ऐसा लगता है कि बहुत हैवी होंगे बट बहुत ही लाइट वेट है गाइज, ट्रस्ट मी। ये बहुत सुंदर इयरिंग्स है, बहुत लाइट वेट है, 100 रुपीज में कुछ बुराई नहीं है। बट वॉट हैपन विद मी ना, मेरा इवेंट आगे ना, मैं आपको बताऊंगी। वहां पे जो एक बहुत फेमस शॉप है भैया की, जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, आई डोंट नो क्या हुआ, मैं इतने टाइम बाद सरोजनी गई ना, मैं वो शॉप भूल गई, मुझे शॉप का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने यहाँ से इयरिंग्स खरीद ली और उस शॉप पे भी 100 रुपीज में इयरिंग्स मिल रहे थे और उनकी क्वालिटी इससे डबल अमेजिंग। आई मीन लाइक जो ब्लैक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, पर्टिकुलर चांदी वाली, वो मिल रही थी। ये भी अच्छी है बट उनकी क्वालिटी इनसे फार अमेजिंग थी। तो दीज 2 pair ऑफ इयरिंग्स आई गॉट, दिस इज फॉर 100 रुपीज एंड दिस इज फॉर 50 रुपीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप। उससे आगे जब हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं तो सब्जी मंडी वाली जो लेन होती है उसके लेफ्ट साइड में, मैं आपको क्लिप मेंशन करूंगी गाइज, देखना, पूरा एथनिक मिल रहा था इस बार ना। सरोजिनी नगर में एथनिक की भरमार थी, एथनिक कपड़े इतने अच्छे थे, इतने सुंदर थे, और बहुत ट्रेंड में शरारा, कुर्ता प्लाजो, स्कर्ट्स, दुपट्टे, साड़ी, सूट एंड चिकनकारी। चिकनकारी तो गाइज इतनी भरी हुई थी, आई कैन नॉट इवन टेल यू, बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में प्राइसेस थे। उसके आगे जाके फिर वहां पे पटरी पे ही लेफ्ट साइड में एक भैया बहुत प्यारे प्यारे रिंग्स बेच रहे थे। आई गॉट फ्रॉम देयर, या दीज वन आई गॉट बट दीज आर फ्रॉम H&M। वहां पे मैंने इयरिंग्स देखी थी बट व्हाट हैपेंड विद मी कि मुझे वहां पे मेरा साइज नहीं मिला। सो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने वहां से रिंग्स खरीदी बट मुझे नहीं मिली। दे आर सेलिंग 4 रुपीज 50 रुपीज के 3 इयर रिंग्स बेच रहे थे वो, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और बहुत अच्छा लाइक वहां पे स्टॉक था। फिर आगे जाके मुझे सेम एक शॉप मिली जहां पे आपको बहुत सारी एक्सेसरीज मिलेंगी और बहुत सारी क्लिप्स, रबर बैंड एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो वहां से व्हाट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल क्लॉक क्लिप, या दिस क्लॉक क्लिप आई गॉट 4 रुपीज ओनली फॉर 50 50। H&M में सेम क्लॉक क्लिप गाइज, यू वोंट बिलीव कितने की मिली थी, वॉज 4 रुपीज 699। यस ऐसी ही क्लॉक क्लिप थी, क्वालिटी भी यही थी यार। आई डोंट नो क्यों ये लोग इतना महंगा बेचते हैं यार, सरोजनी मतलब जन्नत है, वहां पे 50 रुपए में आपको मिल रही है जो चीज H&M पे 700 की है। तो मैंने वहां से एक क्लॉक क्लिप ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे 2-3 लेनी थी बट मैंने पता नहीं क्यों एक ही ली, या पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे आई गेस और लेनी चाहिए थी वहां से। या छोटे साइज की 4 रुपीज 30 एंड दीज वर 4 रुपीज 50। सो ये थी वहां पे शॉपिंग जो मैंने वहां से की। उसके बाद आगे जाके हमने राइट टर्न लिया टुवर्ड्स द ग्रेफिटी लेन। यू गाइस कैन सी ये ग्रेफिटी लेन है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, यही ऑफ कोर्स यही एक जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंडी आउटफिट मिलते थे। अब वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ फ्रूट्स बेचने वाले भैया ठेली लगाते हैं। वहां से जाके मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो वहां पे जो सबसे फेमस मार्केट है वो लेफ्ट साइड में, बट आई वेंट स्ट्रेट बिकॉज मुझे वहां पे आगे जाके बैग्स वगैरह देखने थे। मैंने वहां पे आगे गई तो यहाँ पे ये देखिए नीचे यहाँ पे ना स्क्रंचीज बेच रहे थे एक भैया 50 रुपीज के 5 बेच रहे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी बट मैंने नहीं लिए, मेरी फ्रेंड ने लिए।
तो यहाँ पे उन्होंने 50 रुपीज के 5 स्क्रंचीज लिए। फिर हम आगे बढ़े, आगे जाके वेयर आई स्टॉप ना, आई स्टॉप दिस पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेफ्ट साइड में आती है ये, थोड़ी सी दूर जाके ही लेफ्ट साइड में आ जाती है, मंदिर के सामने ही है, जस्ट आपको राइट साइड में मंदिर मिलेगा उसके सामने ही है। बहुत सुंदर सुंदर कोवर्ड सेट मिल रहे थे, जारा के ड्यूप्स मिल रहे थे पिंक कलर का, मैं आपको दिखाऊंगी, कॉटन का लिनन का था, बट ये 800 रुपीज, द भैया वॉज कोटिंग टू मी 800 रुपीज, बट मैं 600 पे अड़ी हुई थी और वो मुझे नहीं मिला। उसका साइज ही मेरे को थोड़ा टाइट था, तो मैंने उनसे जब दूसरा साइज मांगा, आई वॉज रेडी टू गिव हिम 700 में डील हो गई थी, बट वॉट हैपन विद मी ना, जब वो मेरा पर्टिकुलर साइज लेकर आया तो उसका फैब्रिक सेम नहीं था, द विच आई लाइक्ड, उसमें लिनन फैब्रिक था और वो जो लेकर आया ना वो आई डोंट नो कैसा था, कुछ चमकीला सा था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। बट इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सम कोऑर्ड सेट और सम लाइक नाइट सूट काइंड ऑफ थिंग, तो आप प्लीज ये शॉप चेक करना। ओके, सो आई फॉरगॉट टू शो यू वन मोर थिंग, जो सब्जी मंडी वाली लेन में, ग्रेफिटी लेन से पीछे थोड़ा आ जाओ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा मैं ग्रेफिटी लेन निकल गई। ग्रेफिटी लेन में जब आप एंटर करते ना, तो वहीं पे राइट साइड में एक आंटी थी, वो बेच रही थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, यस अगेन डोंट लाफ एट मी, सो मैंने वहां से खरीदा है ये ब्यूटीफुल सा चोकर, ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था। एक्चुअली इसका ना कलर, इसमें बहुत सारे कलर थे, ब्लैक कलर था, व्हाइट था, बट ये मल्टी कलर मुझे बाद में देखा। सी गाइस, कैन यू गाइस सी द ब्यूटी ऑफ दिस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल यार, इतनी प्यारी लेयर है, वी शेप का ये चोकर है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर है, पिंक एंड ऑरेंज कलर के हैं, और इसके साथ दो इयररिंग्स भी आए हैं बहुत छोटे छोटे से, दिसी these two earrings which I got for, you know, with this choker, और ये बहुत ही प्यारा सेट है, see I'll show you, anyway see this, let me just adjust the camera, see this is a very nice choker यार, bare neck पे this will look very nice, या otherwise white shirt के साथ या white कुर्ते के साथ ये बहुत ही सुंदर लगने वाला, next time मैं इसको style करने वाली हूँ, ये बहुत सुंदर है। उसके साथ दो earrings भी आए हैं, you know that auntie was quoting me for this rupees like 400 एंड आई गॉट इट इन रुपीज 250 रुपीज, यस 250 रुपीज मुझे ये मिला है, बहुत ही प्यारा सेट है, क्वालिटी अमेजिंग है, कलर अच्छे और इयरिंग्स भी साथ में मिले, सो 250 रुपीज में दिस इज अ स्टील डील, सो दिस इज आई गॉट फ्रॉम दैट बिफोर ग्रेफिटी लेन। ओके ओके, सो ग्रेफिटी लेन में एंटर हो गए, आगे चले गए, हमने कोऑर्ड सेट देख लिया। ओके सो वेयर आई स्टॉप्ड इज एट दिस, यू नो दिस ब्यूटिफुल टी शर्ट शॉप, ये वहां पे जो ये जो टी शर्ट शॉप थी ना, ये बहुत अलग से ही बिल्कुल हटके दिख रही थी, क्योंकि इससे बाहर इतनी सुंदर सुंदर, इतनी क्वर्की और इतनी समर प्रिंट्स की टी शर्ट लगा रखी थी ना, कि सब उसकी शॉप पे जा रहे थे। और जिस टी शर्ट ने सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का अट्रैक्ट किया, वो थी ये लेस वाली टी शर्ट और एक ये लव टी शर्ट विच आई गॉट फ्रॉम दिस शॉप। सी ये टी शर्ट मुझे वहां से मिली, दिस इज द टी शर्ट फ्रॉम प्राइमार्क गाइज, प्राइमार्क की टी शर्ट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, क्रॉप लेंथ में है, ओवर साइज है, आई हैव गॉट इट इन रुपी इन साइज एम, साइज एम में मुझे लिया है, बट ये साइज एम आपको लग भी रहा हो क्योंकि ये ओवर साइज है। ये बहुत ही सुंदर टी शर्ट है गाइज, बहुत ही प्यारी क्वालिटी इसकी अच्छी, कलर इतना वाइब्रेंट है, समर के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है, मैं ये जिम पहन के भी जा चुकी हूँ एक बार। सो ये टी शर्ट आई बॉट इट फॉर रुपीज 250 रुपीज, फिक्स प्राइस शॉप थी, सो नो बार्गेनिंग, वहां पे एक दो टी शर्ट और पसंद आई थी मुझे, बट आई थॉट कि मैं और शॉप चेक कर लेती हूँ, वहां से ले लूँ, क्योंकि पूरे मार्केट में ना टी शर्ट ही सबसे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी इस बार, सो दिस इज आई गॉट फॉर रुपीज 250। तो वहां से आगे जाके मैंने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न में जाके व्हाट आई गॉट, वेयर आई स्टॉप, एक अंकल थे जो कि ना 50-50 रुपए में शर्ट बेच रहे थे, सो वहां से मुझे शर्ट मिली, मैंने सोचा कोई ढंग की शर्ट ही मिल जाए यार, अच्छी शर्ट थी, बट मेरे साथ ना प्रॉब्लम ही होती है, मुझे साइज का इशू होता है, मेरे बाइसेप्स ना बहुत ज्यादा है गाइज, आई मीन प्रॉपर डोले है मुझे, सो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है शर्ट्स के साथ कि उनकी जो स्लीव्स होती है वो लूज होनी चाहिए, लाइक दिस इज द राइट नाउ विच आई एम वेयरिंग, मैं इस तरह की स्लीव्स प्रिफर करती हूँ। तो वहां पे आई गॉट अ शर्ट, सो ये मुझे वहां पे एक बहुत प्यारी सी 50 रुपीज में शर्ट मिली, डू यू गाइस सी दिस, मैं ये पहन के दिखाऊंगी आपको, ये बहुत प्यारा लिनन का फैब्रिक है, कलर इसका मेहंदी कलर है, प्रॉपर मेहंदी कलर है, जो ड्राई मेहंदी होती है वो वाला कलर है, और ये शर्ट है, इसकी 3-4 स्लीव्स है, कॉलर है, 50 रुपीज में शर्ट में कोई बुराई नहीं है, 50 रुपीज, अंकल ने मैंने कहा कि अंकल ये शर्ट मुझे आ जाएगी सही वैसे ही, अगर नहीं भी आएगी तो पोछा बना लेना, 50 रुपए में तो पोछा भी नहीं आता, एंड आई लव्ड अ लॉट बिकॉज ही वॉज क्वाइट राइट, अगर 50 रुपए में पोछा भी नहीं आता, मुझे एक शर्ट मिल रही है जिसका फैब्रिक भी इतनी अच्छा है, तो इसे
थम्स अप, मुझे ढंग से फिट नहीं हो रही है. मैं अगर बटन आगे से बंद करती हूँ तो इट विल बी क्वाइट टाइट. तो व्हाट आई विल डू, मैं इसकी जिस स्पेगेटी पहन के आगे से ओपन रखने वाली हूँ. बट ये शर्ट बहुत प्यारी है, उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. आई गॉट इट ओनली फॉर ₹50. ओके, तो उससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड में एक अंकल थे जो 100 रुपीज में लोअर सेल बेच रहे थे. लोअर गर्मियों में लाइक पजामाज बहुत मुझे बहुत कंफर्टेबल रखते हैं. घर में पजामा लाउंज थिंग एंड ऑल इट्स वेरी गुड. सो पजामा वगैरह वहां पे 50 रुपीज में मिल रहे थे और क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी. बट व्हाट हैपेंड ना कि वहां पे आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, कोई डिफेक्टिव ना हो, साइज अप्रोप्रिएट है, कपड़ा ऐसा ना हो, कपड़ा गला हुआ ना. यू आर लाइक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गला हुआ मीन्स आप उसको ऐसे छूते हैं तो ऐसे खिंच के फटने वाली कंडीशन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. सो वहां से आई गॉट 2 पजामाज. वन इज दिस ब्यूटिफुल पिंक एंड व्हाइट कलर का, लाइक यहाँ पे इसके बो बना हुआ है, इट हैज पॉकेट्स ऑल्सो. यार ₹100 में पॉकेट वाला पजामा मिल रहा है. सो ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है एंड गर्मियों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है. दिस वन इज आई गॉट फॉर माई मदर. सो ये मैं उनके लिए गई हूँ. एंड द विन विच आई गॉट फॉर मी, वो तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है. आई विल टेल यू व्हाई. सो दिस इज द लोअर विच आई गॉट. दिस इज इन ब्यूटिफुल लिनन फैब्रिक. सी बहुत प्यारा, उसपे व्हाइट और पिंक स्ट्राइप से आगे इस तरीके से टाइप करने की थिंग है, पीछे एक लिटिल सा पॉकेट है. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी इसके फैब्रिक की है. मतलब यू वोंट बिलीव कि आप इसको देख के, सी आई शो यू इन द कैमरा, आप यू कैन सी द क्वालिटी ना, एकदम लिनन वाली क्वालिटी है. एंड मैंने इसको ऐसे ही ले लिया. बट वेन आई केम होम ना, वॉट स्ट्राइक इन माई माइंड, आई सॉ दिस ब्यूटिफुल शर्ट ऑफ H&M इन माई कबर्ड. सी एग्जैक्टली सेम वैसी है. This is a shirt from H&M, collared shirt, balloon sleeves, and I paired these two, and ये cohort बन गया. Like, are you guys like, what a miracle it is? इतना सुंदर ₹100 का पजामा खरीद के H&M के साथ ये cohort बन गया, which I was looking throughout the Sarojini market, जिसे मुझे पैसे में, कम पैसों में नहीं मिल रहा था. सो ये मेरे साथ भाई क्या वाली, भाई कमाल वाली बात हो गई यार. ये बहुत ही रिच, बहुत ही वाइब्रेंट वाइब दे रहा था. मैंने ये पेयर करके, मैं मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पे भी गई थी एंड एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग मी. दे कह के पहन के आपको लग ही नहीं सकता कि ये ₹100 का पजामा है. पूरा एकदम H&M ज़ारा के कोट सेट वाली वाइब दे रहा था. गाइज ये तो मेरे साथ कमाल हो गया. आई मीन मैं बहुत खुश हूँ इस परचेज के साथ. ये ₹100 में इसने मेरा कोट सेट बना दिया यार. सो दिस वॉज द लाइक परचेज फ्रॉम दैट लोअर शॉप. उन भैया को भी मैं थैंक यू कहूंगी यार. जाके वॉट आई गॉट ना, आई सॉ अ जैकेट ऑन द शॉप. एक्चुअली माई हजबेंड गॉट सॉ दिस जैकेट ऑन दिस शॉप एंड इट वॉज हैंगिंग देयर एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो रॉ, सो लाइक अनफिल्टर्ड जैकेट. सो ये आर्मी कलर की जैकेट है. ये वहां पे लगी हुई थी शॉप पे, लेफ्ट साइड में एक शॉप थी भैया, उनके पास और भी तरह तरह की जैकेट थी, शूज भी थे उनके पास. इनके यहाँ पे शोल्डर पे इस तरह की स्टड्स की डिटेलिंग है, फुल लेंथ है. यहाँ पे आपको आगे नेक पे भी क्लोजर मिल जाएगा. यहाँ से इसकी जिप है इस तरीके से. दिस इज इन द डेनिम फैब्रिक और वेस्ट पे इस तरीके के टाई अप है, फुल स्लीव्स है. अंदर से इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल इस तरीके की लाइनिंग है, दैट्स इट. सो ये जैकेट मुझे दिखी एंड इट वॉज लुकिंग सो गुड ऑन लाइक वहां पे टंगी हुई. सो मैंने इसका पूछा तो ही वॉज कोटिंग 500 एंड आई टोल्ड हिम लाइक 350 में. सो बहुत मन्नत करने के बाद उसने 350 में मुझे ये दे दिया. बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये एकदम प्रॉपर बाइकर जैकेट है. तो ये जैकेट मुझे बहुत प्यारी लगी. इसको लाइक समर्स में भी आप पहन सकते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि समर्स में आप पहर पहन के घूमो, बट जस्ट फॉर कवर अप के थिंग के लिए आप फॉर सम आवर्स और सम मिनट्स आप इसको पहन सकते हैं. अदरवाइज जो लाइक अपना सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसमें ये सबसे बेस्ट लगेगी. ऐसा होता है एक्चुअली, हम जब हम ऑफ सीजन में जाते हैं ना तो कुछ स्टॉक उनके पास पड़ा होता है, वो लोग कम प्राइस में निकाल देते हैं. सो ये मेरे को ठीक लगा. आई मीन 350 इज नॉट अ कम प्राइस अकॉर्डिंग टू सरोजनी, बट फिर भी मुझे इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी जैकेट लगी एंड एवरीथिंग इज गुड. मतलब मुझे कहीं से इसमें कुछ डिफेक्ट ही नहीं लगा. जैसे कई बार होता है ना, छोटा छोटा डिफेक्ट होता है जिस वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कम प्राइस में, बट इसमें कुछ डिफेक्ट ऐसा मुझे लगा नहीं. सो दिस आई गॉट फॉर ₹350 फ्रॉम दैट शॉप. ओके, सो उससे आगे जाके जब व्हेन आई टुक अ लेफ्ट टर्न तो वहां पे एक शॉप थी एंड ही वाज सेलिंग टी शर्ट्स फॉर ₹100 में. वो ओवरसाइज टी शर्ट बेच रहे थे. ओवरसाइज नहीं थी, मतलब बड़ा साइज था. ओवर आई वोंट से कि एम साइज ओवरसाइज है, एल साइज ही था. सो
तो वहां से मैंने 100 रुपीज में प्लेन बेसिक ब्लैक कलर का टी शर्ट लिया। इस पे आगे यहाँ पे प्रिंट है, राउंड नेक है, स्लीव्स है, और ये साइज द साइज आई गॉट इट एक्सेल, एक्सेल इसका साइज है। मैंने टी शर्ट लिया है फॉर जिम, ब्लैक कलर का। मेरे पास ऐसा ओवर साइज टी शर्ट नहीं थे, मेरे पास ब्लैक कलर के टी शर्ट है बट वो ड्राई फिट में ही है दोनों और स्लिम फिट है। सो मैंने ओवर साइज टी शर्ट लिया ब्लैक कलर में। मुझे नहीं पता यार क्या है मेरे को, मुझे ना टी शर्ट ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, टॉप वगैरह वहां पे मुझे कुछ अच्छे ही नहीं लगे, जो थे वो इस तरीके थे, मैं उन तरीके मैं वैसे पहनती नहीं कपड़े, तो मैंने फिर टी शर्ट लेना ही प्रेफर किया और जिम के अकॉर्डिंग मुझे यही सबसे बेस्ट लगी। सो आई गॉट दिस फॉर ₹100। उसके बाद जब हम आगे गए ना, सो वहां पे गाउन्स मिल रहे थे एंड ड्रेसेस मिल रही थी। सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल काफ्तान ड्रेस फ्रॉम देयर। ये इसका फैब्रिक, ओ माई गॉड, आई होप लाइक यू गाइज यू नो कुड फील द फैब्रिक थ्रू द कैमरा। ये इतना अच्छा फैब्रिक है, इतना प्यारा फैब्रिक है, इसका कलर निकलता है, मैंने एक बार वॉश कर लिया है, बट एक्चुअली वॉट इज द थिंग ना, प्योर कॉटन है तो उसका कलर निकलेगा ही एवरी वॉश पे, बट इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, इतना मलमल काइंड ऑफ फैब्रिक है। यहाँ पे इसके वेस्ट पे इस तरह का टाइप थिंग है, प्रॉपर काफ्तान है, नीचे फुल लेंथ का है, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। लाइक समर्स में मैं पर्सनली मैक्सी ड्रेसेस, काफ्तान ये सब पहनना प्रेफर करती हूँ। सो ये मैंने लिया, आई बॉट इट फॉर रुपीज अराउंड लाइक 350। यस आई बॉट इट फॉर 350, उनके पास 200-250 की रेंज में भी ड्रेसेस थी, बट मुझे इसका कपड़ा अच्छा लगा, सो 350 एंड वो फिक्स प्राइस शॉप थी, सो ये मैंने वहां से लिया। सो ओके गाइज, विद ऑल दीज थिंग्स हमारा सरोजनी नगर का हॉल यहीं पे खत्म होता है। आप लोग देखेंगे कि मैंने कितनी सारी चीजें ली, आपने सारे ट्राई ऑन्स भी देख लिए होंगे। आपको सबसे अच्छा चीज कौन सी लगी आप मुझे बताना, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वहां का एक लाइक वीडियो क्रिएट नहीं कर पाई, बिकॉज शॉपकीपर्स वर अनॉइंग एंड दे वर लाइक सेइंग नो 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 टू मी, बट वंस अगेन आई फे आई गो देयर, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो, आई डो नॉट नो हाउ, सम हाउ आई विल क्रिएट इट फॉर यू गाइज। अभी के लिए इतना ही है। सो मैंने पूरा दोनों वीडियो एक में ही मर्ज कर दिए, जहां पे मैंने आपको मार्केट भी दिखाया, ट्राई ऑन भी दिखाया और लाइव लाइक चिटचैट भी करी है। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। आपको जो चीज सबसे अच्छी लगी आप प्लीज मुझे बताना। मेरी पर्सनल चीज जो इसमें ज्वेलरी है ऑफकोर्स। सो ये सरोजनी नगर हॉल था। अगर आप लोगों को इसी तरीके से मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। आई रियली वॉन्ट टू बी फ्रेंड टुगेदर, आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप कब सरोजनी नगर जा रहे हैं आप भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूंगी, भूलना मत। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो यार, वहां पे भी बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट्स और रील्स आती है। ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल।